खबरों में बदलते मुद्दे, भारत की आबादी पर रिपोर्ट से बवाल, केजरीवाल की रिहाई से आप में उत्साह, भीषण गर्मी ने बढ़ाई मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और लेकर आई हूं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। तो चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है, नेता वही है, लेकिन चुनावी मुद्दे चरण दर चरण बदल रहे हैं। महंगाई, रोजगार, विकास आदि के स्थान पर मंगलसूत्र, जाति जनगणना, विरासत टैक्स, वोट जिहाद, राम मंदिर में बाबरी ताला, हिंदू मुस्लिम, अंबानी अडानी जैसे मुद्दे उठ रहे हैं। चुनाव के शुरुआती दौर में कांग्रेस और मोदी की गारंटियां हावी रही, लेकिन तमिलनाडु में पीएम नरेंद्र मोदी कच्चा तीउ द्वीप मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वहीं विपक्षी गठबंधन ने भाजपा को तमिल विरोधी करार दिया। मोदी ने भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया, लेकिन समय के साथ ये मुद्दे हवा हो गए। पहले चरण में जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, परिवारवाद, रोजगार जैसे मुद्दे हवा में तैरते रहे। राहुल गांधी ने बार बार जातिगत जनगणना की बात कही, पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। मोदी समेत एनडीए के अन्य नेताओं ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को याद दिलाते हुए उन पर निशाना साधा। दूसरा चरण आते आते ये सभी मुद्दे लगभग गायब हो गए। बीच बीच में ओबीसी आरक्षण और परिवारवाद की बात भी सामने आती रही। इस चरण में विरासत टैक्स, मंगलसूत्र, धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठा। सत्ता ने कहा कि विपक्ष दल सत्ता में आया तो मंगलसूत्र और भैंस छीन लेंगे। जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया, क्या किसी ने आपका मंगलसूत्र लूटा है? मेरी माँ सोनिया गांधी का मंगलसूत्र इस देश के लिए बलिदान हो गया। संविधान बदलने का मुद्दा भी उठा। तीसरा चरण आते आते इन चुनावी मुद्दों की धार कमजोर हो गई। इस चरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है, वहाँ पाकिस्तान रहा है। राम मंदिर मुद्दे का भी तीसरा चरण आते आते स्वरूप ही बदल गया। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि विपक्षी गठबंधन आया तो ये राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देंगे। वोट जिहाद का मुद्दा भी इस चरण में उठा। चौथे चरण में अडानी और अंबानी चुनावी मुद्दा बने। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू बनाम मुस्लिम मुद्दा बन गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुओं की आबादी घटी है जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। मुद्दे बदलने का सिलसिला सातवें चरण तक यूं ही चलता रहेगा। हो सकता है कि आने वाले चरणों में मतदाताओं को राजनेताओं से कुछ नए जुमले सुनने को मिले, हालांकि वोटर क्या सोचता है यह कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई है। वहीं इस दौरान हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि म्यांमार के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हुई है। म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक घटी है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष ने रिपोर्ट की टाइमिंग और वास्तविकता पर भी सवाल उठाए। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि जब देश में जनगणना हुई ही नहीं है तो आखिर ये आंकड़े कहां से सामने आए, कौन इस रिपोर्ट पर यकीन करेगा। झा ने आरोप लगाया कि मंडल आयोग से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। वहीं एक रिपोर्ट इसके उलट भी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 32 वर्षों में मुस्लिमों की प्रजनन दर लगभग आधी रह गई है। इस सर्वे के मुताबिक 1992 में मुस्लिम की प्रजनन दर 4.4 थी, जो अब 2.32 है। हालांकि सर्वे में यह भी कहा गया है कि बाकी संप्रदायों के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद लोकसभा चुनाव भी हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया। मोदी एक चुनावी रैली में हिंदुओं की आबादी घटने पर कह रहे थे कि इस झूठ से पर्दा उठ गया है कि अल्पसंख्यक खतरे में है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे न तो किसी फाइल पर दस्तखत करें और न ही दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े किसी गवाह से बातचीत करें। हालांकि केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे और चुनाव में एक नया रंग भी नजर आएगा। आम आदमी पार्टी ने 22 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, इनमें से असम की 2 और गुजरात की 2 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में अब केजरीवाल आपके 18 उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली में आपके 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पंजाब में आपके सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट पर हरियाणा में भी आप उम्मीदवार मैदान में हैं।
केजरीवाल अब प्रत्याशियों के साथ दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार कर सकेंगे। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत से दानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को साथ आना होगा। हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। मुझे आपके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है। विपक्षी नेताओं ने भी केजरीवाल की रिहाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अब और अधिक गति पकड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उतरने से निश्चित ही आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन पार्टी कितनी सीटें जीतने में सफल रहती है यह तो 4 जून को परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि कहीं कहीं बादलों का भी डेरा है। 9 मई को राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के ही जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर में तापमान क्रमशः 45.3 डिग्री, 45.2 डिग्री तथा 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 43 डिग्री तापमान शिवपुरी में दर्ज हुआ। यूपी के झांसी में 44, गुजरात के सुरेंद्रनगर में 43 डिग्री, महाराष्ट्र के मालेगांव में 42.4 तथा तेलंगाना के निजामाबाद में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में लू जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी दिल्ली में तूफान और बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23 अन्य लोग घायल हो गए हैं। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। हालांकि 10-11 मई से एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी चलने व हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इस बीच भीषण गर्मी के चलते कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। हिमाचल के ऊना में भी जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 13 मई से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। ऊना में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद यह कदम उठाया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में 10 मई की देर शाम धूल भरी आंधी आई और हल्की बारिश हुई। मौसम खराब हो जाने के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली 9 उड़ानों को परिवर्तित करना पड़ा। दूसरी ओर यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा है कि दुनिया भर में इस साल अप्रैल का महीना अब तक का सबसे गर्म अप्रैल रहा। अप्रैल में औसत तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो निर्दिष्ट पूर्व औद्योगिक संदर्भ अवधि 1850 से 1900 में उल्लेखित अप्रैल के औसत तापमान से 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक था। खबरें संक्षेप में। पूंछ और राजौरी में 41 महीनों में आतंकवादी हमलों की घटनाओं में 41 सैनिकों और 15 नागरिकों की जाने गई। भारत ने मालदीव से वापस बुलाए अपने सभी सैनिक। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ने की थी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, इससे पहले 29 नक्सली मारे गए थे। अहमदाबाद में स्कूलों को धमकी मामले में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से जुड़े धमकी वाले ईमेल के तार। पीएम मोदी का दावा, कांग्रेस 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। चुनाव के बाद उसे विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिलेगा। चित्रदुर्ग से भाजपा नेता जी देवराजे गोड़ा गिरफ्तार। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो लीक करने का आरोप। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।